सुप्रीम कोर्ट से सामने आई खास तस्वीरें। दिव्यांगजुन का हाथ पकड़े दिखे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। सीजीआई ने कोर्ट परिसर में किया मिट्टी कैफे का उद्घाटन। खासियत जान, आप भी करेंगे सलाम। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, दिव्यांग जन का हाथ पकड़कर चलते सीजीआई चंद्रचूड़। शायद आपने पहले किसी सीजीआई को ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा। अक्सर अपने बेबाक अंदाज, सख्त टिप्पणियों और फैसलों को लेकर चर्चा में रहने वाले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हर कोई उन्हीं की चर्चा कर रहा है। दरअसल दिव्यांग जनों के साथ सीजीआई अन्य जजों और वकीलों की ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। इस कैफे का संचालन एवं पूरा प्रबंधन दिव्यांग जन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रतिक्रियाएं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीफ जस्टिस ने कामकाजी दिन की शुरुआत से पहले अदालत परिसर में कैफे के उद्घाटन की घोषणा की और बार के सदस्यों से इस पहल को समर्थन देने की अपील की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मुझे उम्मीद है कि बार इस पहल में सहयोग देगा। उन्होंने कहा कि कैफे का प्रबंधन करने वाले सभी लोग दिव्यांग हैं। उन्होंने बताया कि मिट्टी कैफे ने देश के विभिन्न हिस्सों में 38 कैफे खोले हैं। वही अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि ये करुणा का प्रतीक है। क्या है मिट्टी कैफे? ये कैफे बेंगलुरु के एक एनजीओ मिट्टी सोशल फाउंडेशन की पहल का हिस्सा है। मिट्टी सोशल इनिशिएटिव फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जो विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के लिए समर्पित है। वे शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक दिव्यांगता वाले वयस्कों के साथ अन्य कमजोर समुदाय के व्यक्तियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान की दिशा में काम करता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिट्टी कैफे की निदेशक ने बताया कि इससे विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा। करीब 500 दिव्यांग कैफे से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। कोविड में किया था ये काम। सोशल इनिशिएटिव फाउंडेशन की सामाजिक पहल मिट्टी कैफे 35 से अधिक कैफे संचालित करती है जो विशेष जरूरतों वाले सैकड़ों वयस्कों को रोजगार प्रदान करती है। एनजीओ दिव्यांग लोगों को प्रशिक्षित करता है। इससे पहले बेंगलुरु में ये एनजीओ ऐसा ही कैफे खोल चुका है। इस मिट्टी कैफे ने कोविड के दौरान 60 लाख लोगों को खाना उपलब्ध कराया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका इस पहल के बारे में क्या कहना है वो भी आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं।